नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नेपाल के लिए निकल के आ रही है क्योंकि नेपाल में हो चुका है टिकटॉक बैन। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रमुख चाइनीज ऐप टिकटॉक बैन हो चुका है नेपाल में। अब टिकटॉक नेपाल में काफी ज्यादा फेमस था और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते थे। कई बार टिकटॉक को लेकर तरह तरह की न्यूज निकलती रही, गवर्नमेंट कई प्लेसेस से टिकटॉक को बैन करती रही, लेकिन इस ऐप को पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया था। लेकिन अब इसको पूरी तरीके से नेपाल में बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट हैज बैन्ड चाइनीज ऐप टिकटॉक, और इसको बैन करने का रीजन काफी ज्यादा अहम है, जिसको काफी देर तक मॉनिटर करने के बाद लगाए गए हैं। और इसके ऊपर आरोप ये है कि ये प्लेटफॉर्म सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि नेपाल में घृणा फैला रहा है लोगों के बीच में, और ये आपस में मतभेद वाले भाषणों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, जिससे सोशल हार्मोनी नेपाल में इंटरनली डिस्टर्ब होगी और नेपाल में आपसी तनाव बढ़ेगा, इंटरनल तनाव बढ़ेगा। इसीलिए नेपाल की गवर्नमेंट ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए इस ऐप को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है नेपाल से हमेशा के लिए। आपको बता दें कि सिर्फ नेपाल ही ये एक्शन नहीं ले रहा, भारत में तो ये पहले ही बंद हो चुका था, साथ ही साथ अमेरिका ने भी इस ऐप के ऊपर काफी ज्यादा एक्शन लिए हैं और दुनिया भर के कई देशों में इसके ऊपर एक्शन लिए भी जा रहे हैं। और आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारे देशों में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अब क्या होगा नेपाल के बहुत सारे क्रिएटर्स का, जो कि टिकटॉक्स पर क्रिएट करते थे वीडियोस, उनके लिए जरूर एक दुखद खबर होगी। आपकी क्या है राय गवर्नमेंट के इस फैसले पे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको क्या इस कदम सही लगता है या नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए एनआई न्यूज़ वैश्यम।